ये मेरा हमारा दोस्त जीत नहीं पाया, पर अगली बार तुम आना और तुम जीत के जाना। इसको शेख भाई कैसा लग रहा है इतनी फेम पाके? कैसा आफ्टर बीबी सलमान भाई कहाँ तक आते? सलमान भाई मेरे पेट तक आते हैं। ऊपर 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 ऑलवेज आई से ऊपर। हेलो यो फाइनली इतने दिनों बाद ब्लॉग आ चुके क्योंकि मैं क्या करूं तुम मुझे व्यूज ही नहीं देते और इसलिए व्यूज की तलाश में मैं फाइनली मैंने एक ऐसी वीडियो में आ चुका हूं मैं जिस बंदे को तुम लोग जानते हो। मुझे बहुत लोग चैलेंज वीडियोस के लिए बोलते हैं कि चैलेंज वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो तुम्हारा भाई आज चैलेंज वीडियो बना रहा है। तो यहाँ आज मैं दिखाऊंगा आपको बिहाइंड द सीन्स। जो वीडियो का टाइटल होने वाला है ये टाइटल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी क्योंकि मैं पास्ट में होगी, तुम फ्यूचर में देख रहे हो वीडियो। तो हमारे पीछे है हमारे संभव भाई व्यूज के देता। भाई मेरे खुद व्यूज नहीं आते। भाई मेरे कौन से व्यूज आते हैं भाई? ये बात भी सही है। तो यहाँ पर भाई ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट आए जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं और उन लोगों से फाइट होने वाली। तुम्हारे भाई ने तो कह दिया कि भाई मैं तो प्रेम बांटने वाला इंसान हूँ, फाइट वाइट अपने से नहीं। भाई मैं तो बैठ के कुचल दूंगा। भाई तो बैठ के कुचल देगा भाई का तो इंटरेस्ट तो आती हूँ, ऐसे बैठ के ऐसे कुचल देगा मैं। तुम्हारे भाई ने तो कह दिया तुम्हारा भाई तो सिर्फ प्यार से दिल जीत लेगा यार। तो अभी बिहाइंड द सीन चल रहा है वहाँ पर, तुम्हें समझ में आ गया वीडियो का टाइटल क्या है मेरी? मैं वहाँ का दिखा नहीं सकता तुम्हें क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो माफ करना थोड़ा इधर उधर निकल जाता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा। वैसे तो मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, पर ये मुझे जेल वेल ना भेजे तो। इस बंदे को तो तुम शायद जानते ही होगे। और ओ सम्मा भाई आप तो बड़े आदमी, बड़े लोगों के साथ। तो अब तो मैं समझ में आ गया होगा वीडियो कौन सी है और कौन बंदा है ये। थोड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए। नाम नहीं लेंगे लेकिन फुकरे इंसान। स्टार्ट करो। पांडा गैंग वाले हाजिरी लगा दो कमेंट सेक्शन में क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे फुल फ्लेश्ड ब्लॉग लाता रहता है, कभी कभार लाता है लेकिन मालदार लाता है। ऐसा नहीं कि हर एक दिन ब्लॉग डालता हूँ मैं। एलवी यादव थोड़ी है, एलवी यादव कुछ भी डाल देंगे। सौरभ जोशी सारे भी रोज डालते हैं। सौरभ जोशी नहीं है कुछ भी डाल देंगे। हाँ ये नहीं की दोस्तों आज है ना पैर में दर्द हो गया था, मैं गाड़ी ले आया था क्योंकि पापा ले गए थे इनोवा। ए गाली नहीं बीप हो जाएगा। बीप ऐसे व्लॉग नहीं डालते हम, एकदम क्वालिटी के व्लॉग्स डालते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे थोड़ी व्यूज कम आते हैं लेकिन हम कंटेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आसमान भी बहुत सुहावना हो रखा है। मुझे लगता है मैं चलना चाहिए। हाँ। भाई वहाँ से शूट के लिए रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। Let's hope for the best. और दोस्तों मेरा नाम है गौरव चौधरी, आप देख रहे हैं चक्रिकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बिहाइंड द सीन्स दिखाएंगे फुकरा भाई की वीडियो में। सिनाटी और मैं आया हूँ भाई फुकरा भाई के शूट में। क्या पुलिस मार रखे हैं भाई, भाई का प्रमोशन करो भाई। बिग फैन भाई। भाई किसकी गैंग में थे आप? गैंग बैंग। अरे यूट्यूबर भाई 100K सब्सक्राइबर। अरे 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 भाई सब्सक्राइब करो ये भाई को। खोल लेंगे भाई। तो गाइस जो मेरी ऑडियंस है पूरे 2.5 से 3 लोगों की, वो जाके इन्हें सब्सक्राइब करें। भाई के चैनल को भी आप 1 लाख पहुंचाओ जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। सिर्फ 80,000 और गलत बोल दिया 1.5 लोगों की। एक और सौरभ जोशी ब्लॉग अभी देख टकराता हूं इसके साथ भाई के साथ। क्षितिज अपना माइक पहने। कन्फेशन रूम में आए, हमारे भाई को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। हालांकि मैं एक एज अ वाइल्ड कार्ड लौंडा आया था। विनर तो मैं नहीं यार, दिलों में तो मैं ही आऊंगा ना। डावर अम्मा पे चोरी पैरल नवली ला दूंगा ना, दुखे तो खूब लगा ये तेरी मज करा दूंगा। अभी लॉट ऑफ कंटेंट यार, लॉट ऑफ कंटेंट। भैंस की टांग कितनी बढ़िया यार, ये क्लिप दे दियो मेरे बढ़िया। मैं बहुत बड़ी क्लियरिटी आ रही है भाई भाई भाई, क्योंकि क्लियरिटी के लिए क्लियर बंदा भी तो चाहिए। हाँ इसने मेरी बात की है गाइस। मैं तो अपनी बात कर रहा था। एक बंदा था जो अब हमारे बीच में नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी की क्वालिटी मेरे को आज तक इसमें नहीं दिखी और वो आपने दिख रही है। नहीं तो मैं नहीं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भागने का कार्य करूँ या फिर डिस्ट्रैक्ट कर देगा। कैसा फील हो रहा है बिग बॉस में आगे? जीतेंगे पूरा कॉन्फिडेंस है। बिग बॉस के रनर अप के साथ बिग बॉस करके कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेटेजी बना ली हमने कि कौन जीतने वाला है। अभी दूसरी टीम में दिक्कत क्या है तुम्हारा?
जो भाई है मेरा तो भाई वाला सीन हो गया। करण अर्जुन वाला सीन हो जाए। अभिषेक भाई अपना इंट्रो करते हुए। टीम बी में अगर किसी बंदे ने सबसे अच्छा खेला तो ये भाई है, आप वो देख सकते हो, निशान विशान पूरे निशानी दिया भाई बंदे ने, कोनी पे। बट ये एक बंदे ने हार नहीं मानी एंड तक। मुझे जितने धक्के पड़े ना भाई की तरफ से, बड़े सारे बिग बॉस में मिलेंगे, एक बार और फाइट करेंगे, ठीक है। मैं नहीं करूंगा भाई फाइट, मुझे तुम दबोच लेते हो, मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करूंगा। गाइस ये झूठ बोल रहा है। वेरी वेरी बिग कांग्रेट्स ब्रो, निकल गई है भाई के आगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा 1-0 भाई। पर भाई प्यार है यार, कोई नहीं, जीत हार चलती अच्छा रहती है, पर भाइयों ने बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा। टीम बी का चैंपियन है भाई ये बंदा, इतने धक्के मारता है ना, इतने धक्के, मां कसम अविनाश से ज्यादा धक्के यूं मारता है इसको, भेजो साइरस और अविनाश का मिक्सचर है ये। छोटी सी एक बात मैं भी कह दूं, सबकी एनर्जी पावरफुल थी, लेकिन इस लौंडे की नेक्स्ट लेवल भाई, जबरदस्त। खुद के लिए पप्पी, सभी भाइयों के लिए पप्पी। कैसा लग रहा है जीत के? अरे कैसा लग रहा है मेरी टीम वाली हार के? इधर के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर ओ भाई, तो हार के दिल जीते, तुम भी हार के दिल जीत सकते। अरे बहुत मेहनत करी गाइस, देखो मेरी शर्ट कितनी गीली हो गई है। विनर अनाउंस होने वाला है भाई। की शर्ट अच्छी लग रही है, किसने दी? भाई बहुत क्रेजी शर्ट है, मैं तो दे नहीं रहा हूँ इसको भाई की, ठीक है। ये मेरी टी शर्ट रख रहा है, मैं इसकी शर्ट रख रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अरे 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 भाई 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 ने उंगलियों में खून निकाल ही दिया। बर्गर खा रहे हैं, खरीद के अबे केचप कहाँ से लाया रे तू? गाइस मैं होप करता हूँ, क्योंकि मुझे काफी अपोजिशन की टीम ने बोला कि यू आर द वेरी गुड गाय, और तुम्हें पता ही है मैंने कितनी मेहनत करी है। अगर एडिटर ने मान, हम दोनों ने मेहनत करी, एडिटर ने अगर माँ बहन एक ना करी हो मेरे सीक्वेंस की, तो तुम लोग ने ना बहुत लड़कियों के दिल जीत जाओगे, लाइक दे विल बी लाइक ऑल सब्सक्राइब करो, और मेरी कबीर सिंह और SRK वाली वीडियो सारी देख लेना, ठीक है। दे दो। फुल बेबी हाउस वाले फीलिंग आ रही है यहाँ पे। नया डेविल जाने को तैयार। क्या लगता है कौन जीतेगा? क्षितिज वाई वाई, दिल्ली वाला शर्मा इनटू वाई। स्टेला क्या लगता है कौन जीतेगा? दैट गाय, आई डोंट नो दिस मेन, दैट हरियाणवी रोडीज गाय। हां रोडीज वाला, आई थिंक यू शुड सजेस्ट दिल्ली वाला शर्मा जीतेगा। मेरी उम्मीद भाई के साथ है, क्योंकि उसमें से मैं हिस्सा ले सकता हूं। दिस इज बिजनेस। कौन जीत सकता है? स्वैगी जीत सकता है भाई। कौन जीत सकता है? मैं जनरली चीज बताता हूं, जीते कोई भी, ठीक है, ट्रॉफी कम्युनिटी में आ रही है। स्वैगी भाई कौन जीतेगा? स्वैगी। कौन जीतेगा? फाइट वाला कौन जीतेगा? फाइट। कौन जीतेगा? स्वैगी ब्लैक ड्रॉडीज। व्हाइट जीतेगा गाइस, व्हाइट जीतेगा। नो ब्रो, स्वैगी जीतेगा, व्हाइट जीतेगा गाइस। सात करो, सबको पता है कि बंदा जीतेगा। करण आएगा अपने घर 1,00,000 रुपए कैश प्राइज। अरे गिम्बल दूर रहा भाई, दूर। दिस इज फॉर यू मां, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आएगी घर में आएगी। ओ ऑफ कैमरा इसी पे पैसा लगाया। जीत गया। यस। ओके द बिग बॉस बजट टास्क। ओके तो बिग बॉस बजर टास्क, ये टास्क मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इस टास्क में काफी अच्छा खेला था। तो मैं जैसे ही ताली बजाऊंगा, जिसने ये पहले बजर दबाया उसको गोवा की टिकट मेरी तरफ से। तो 3-2-1 गो। साले सब चीटर है, गो भी नहीं बोला था, पहले ही भाग गए। टू पे ही भाग गए सारे लोग, तो चीटिंग है ना, इससे पहले वाले तो मैंने ही छुआ था भाई। आएगा गोवा नहीं नहीं चलो ठीक है, शुरू करते हैं।
शुभम तो बहुत बड़ा फैन है फुकरा भाई का, तो तेरी तेले गिफ्ट। हाय शुभम भाई, हाउ आर यू, लव यू सो मच। ये मेरा हमारा दोस्त जीत नहीं पाया, पर अगली बार तुम आना और तुम जीत के जाना, इसको दिखाना कैसे जीतते हैं। ये मेरा बेबी है फुकरा भाई। देखा, हम वैसे गेम हार जाए लेकिन हम दिल जरूर जीतते हैं। पर घेर लिया है भाई को सबने, सब कंटेंट निकालने पे तुले हैं। संभव भाई तुम नहीं, हेलो एक सेकंड, 25 बंदों का नाम ही ऑलरेडी लेके जा चुका है, ये मत समझना तुम कोई स्पेशल हो जिसके लिए वीडियो बनवा रहा है। वन मोर टाइम महक महक, हाय महक, हाउ आर यू महक, ये बंदा 25 बंदों के लिए ऑलरेडी वीडियो बनवा चुका है। देखा मैं कितना अच्छा हूँ, एक बहुत छोटा सोचता हूँ सबका, सबका सोचता हूँ यार। नहीं अभिषेक भाई कैसा लग रहा है इतनी फेम पाके, कैसा आफ्टर बीबी? का प्यार है बहुत बढ़िया प्यार है, कभी कभी थोड़ा प्यार ज्यादा लगता है ना, प्यार तो अच्छा लगता है, प्यार अच्छा लगता है, ज्यादा और अच्छा लगता है। शूट के बाद थोड़ी थकान हो जाती है, हाँ थकान हो जाती है, और तो मुझे पर भाई आपको कैसा लगता है कि मैं डिजर्विंग था, डिजर्विंग था मैं थोड़ा आगे जाने के। अच्छा हम में से कोई था टीम बी में से, आप बताओ। 2 घंटे का रास्ता है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो दिल जीतता है, लेकिन मतलब मैं सामने एग्जांपल बैठा हुआ है। बिग बॉस में जैसे हम दोनों की हाइट बिल्कुल सिमिलर है, 6'2" तो सलमान भाई, भाई के भाई सलमान भाई कहाँ तक आते हैं? सलमान भाई मेरे पेट तक आते हैं, पेट फिर मेरे भी मतलब नहीं आते सही में, सीरियसली सीरियसली इनके साथ सीरियसली, हाँ हाँ भाई हाँ सच में यहाँ तक आते हैं, यहाँ इनके फाइव फाइव ऐसे, अगर मैं हूँ तो मेरे आता है, पनी नहीं लगता थोड़ा जब वो, तो मैं कह रहा था ऐसे ऐसे करके बोलते हुए था वो भाई है ब्रो, भाई वो चाहे मेरे से इतने ऊपर हो या इतने नीचे वो भाई है, भाई तो भाई रहते हैं ना, क्योंकि ऊपर 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 और ऊपर दिखा, ऑलवेज आई से ऊपर। हेलो यो व्हाट्सअप यूट्यूब, यो व्हाट्सअप गाइस, जब भी आप कैमरा पकड़ रहे हो तो आपको ऐसे कैमरा पकड़ना है कि आपका कभी भी गलत ना हो, इधर भी करेगा तो इट्स लाइक फाइन, बट यू हैव टू लुक हियर, तो ये हमेशा सही होगा, बट लोग मतलब कैमरे को गलत पकड़ते हैं, कोई यू पकड़ रहा है कोई यू पकड़ रहा है, तो सारी चीज़। तीसरा राउंड होने नहीं दिया क्षितिज भाई ने, और 2 में से 2 राउंड जीत के वो बन गए इस वीडियो के विनर, और उनको मिलते हैं इस ट्रॉफी के अंदर के पैसे। ट्रॉफी नहीं मिलेगी, ट्रॉफी मेरी है, कुछ तो बिग बॉस के घर से मैं भी लाऊं। निकाल पैसा उड़ाओ, थैंक यू करूंगा मैं, क्योंकि मेरा वीडियो में प्लान नहीं था, स्ट्रेटजी कर रहा है भाई, थोड़ी मजेदार लगी, मैं आज मैं तुम्हारा, और तुम्हारे भाई ने कैसा खेला, थोड़ा गजब खेला भाई, अरे भाई बहुत जानवर लगे मुझे। पैसे चेक कर रहा है, गिन रहा है कितने आ जाओ, पैसा लाया पैसा लाया। तो गाइस ये तो लग गया पैसे गिनने में, तो गिनने देते हैं, और तब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं आगे ऐसे ब्लॉग्स डालूं तो तुम्हें फट से नोटिफिकेशन आ जाए। गिनने भी दो, बाय बाय।